प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज सीमे बदने काई चौचौकाई चिलके की चटनी बनाएंगे। उसके लिए जो सामग्री चाहिए, सीमे बदने काई ऐसा होता है, एक कप सीमे बदने काई का छिलका लिया है, चार स्पून नारियल कसके लिया है, दो हरी मिर्ची, दो लाल मिर्ची, हरी धनिया, थोड़ा सा इमली, जीरा, उड़द का दाल, चने का दाल, ऑयल, राई, हिंग, कड़ी पत्ता, स्वाद अनुसार नमक। अभी गैस पर कढ़ाई रख के ये छिलका डाल रही हूँ। ये पानी सूखने तक इसको थोड़ा ऐसा भून लेंगे। कुछ भी नहीं डालना है, उसका पानी सारा सूख जाएगा। कितना अच्छा सूख गया है। अभी इसको एक थाली में निकाल रही हूँ। उसी कढ़ाई में चने का दाल डाल रही हूँ। मीडियम आंच में ये सब भून लेंगे। देखिए थोड़ा भून गया है। उसी में उड़द का दाल डाल रही हूँ। इसको रोज कलर आने तक भून लेंगे। इसी कढ़ाई में ग्रीन मिर्ची डाल रही हूँ। एक लाल मिर्ची इसमें डाल रही हूँ और एक लाल मिर्ची रखा है। ये चटनी चावल के साथ, मुद्दा के साथ, चपाती के साथ अच्छा लगता है। जीरा डाल रही हूँ। फ्रिज में रखने से 2-3 दिन रख करके भी खा सकते हैं। नारियल डाल रही हूँ। देखिए एक ऐसा रोज कलर भून गया है। अभी इसी में नारियल डाल के भून रही हूँ। अभी अच्छा भून गया है। अभी इसी में भुना हुआ छिलका भी डाल रही हूँ। इसको 1 मिनट के लिए ऐसा भून लेंगे। अभी ये भून गया है। इसको एक थाली में निकाल रही हूँ। इसको ठंडा करने देंगे। अभी इसको मिक्सी जार में डाल रही हूँ। नमक डाल रही हूँ, इमली डाल रही हूँ, थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको नाइस पीस लेंगे। देखिए ऐसा। अभी इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। इसको चौंक लगाएंगे। कढ़ाई में 2 स्पून तेल डाल रही हूँ। तेल गरम होने के बाद राई, हिंग, कड़ी पत्ता, एक लाल मिर्ची। अभी इस चौंक को चटनी के ऊपर डाल रही हूँ। देखिए कितना सुंदर सीमे बदने काई चौचौकाई के छिलके की चटनी रेडी हो गया है। सीमे बदने काई चौचौकाई की चटनी रेडी।